जोहार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत कृषि समाचार से करते हैं, तो आइए देखते हैं। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मृदुला। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। इटकी में 100 हेक्टेयर भूमि में गर्मा मूंग की खेती करने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री ने सफल फल एवं सब्जी प्रसंस्करण संयंत्र का किया उद्घाटन। झाड़ीदार फ्रेंच बीन के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पंत अनुपमा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने रांची जिला के इटकी प्रखंड स्थित सेमरा, तरगड़ी, पलमा, रानीडी और तिलक सूती गांव में आरकेवीआई योजना के तहत करीब 100 हेक्टेयर भूमि में गर्मा मूंग दाल लगाने का लक्ष्य रखा है। इसे ध्यान में रखते हुए करगे गांव स्थित लैंपस परिसर में पिछले दिनों किसानों के बीच 100 क्विंटल मूंग दाल के बीज का वितरण किया गया। किसानों को प्रति हेक्टेयर की दर से 30 किलोग्राम बीज दिया गया। वहीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत एक मिनी दाल मिल की स्थापना की गई है। दाल मिल में किसानों के सभी प्रकार के दलहन की प्रोसेसिंग कर उन्नत किस्म का बीज तैयार किया जाएगा। साथ ही यहां किसानों द्वारा उत्पादित दालों की खरीददारी भी की जाएगी। पिछले दिनों रांची के नगड़ी स्थित टिकरा टोली गांव में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सफल फल एवं सब्जी प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने एनडीडीबी को 27 एकड़ जमीन दी है। इसमें से 22 एकड़ में प्लांट लगाया गया है। शेष 5 एकड़ में सरकार किसानों के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोलेगी। दूसरे चरण का संयंत्र नवम्बर से शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि संयंत्र पूर्वी भारत का पहला आधुनिक और बड़ा संयंत्र है। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के अलावे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री सुदर्शन भगत, एनडीडीबी के चेयरमैन दिलीप रथ, प्रबंध निदेशक एस नागराजन भी मौजूद थे। फलदार पौधा लगाने के लिए गर्मी में गड्ढा खोदकर छोड़ देना काफी फायदेमंद होता है। इससे गड्ढे और मिट्टी में मौजूद खरपतवार और सूक्ष्म कीट मर जाते हैं। आम, लीची जैसे बड़े पौधे के लिए बड़े गड्ढे और पपीता, नींबू जैसे छोटे पौधे के लिए अनुशंसित आकार के छोटे गड्ढे खोदें। आम, लीची, जामुन जैसे फलदार पौधे बड़े वृक्ष बनते हैं और इनकी जड़ें जमीन में ज्यादा फैलती हैं। इसलिए इनके पौधारोपण के 3 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और 3 फीट गहरा गड्ढा खोदें। पपीता, नींबू जैसे पौधों का जड़ कम फैलता है। इन फलदार पौधों को रोपने के लिए 2 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा और 2 फीट गहरा गड्ढा खोदें। मई महीने में गड्ढा खोदकर छोड़ दें और बारिश शुरू होते ही पौधा लगा दें। किसान भाइयों, फलदार वृक्ष लगाने का समय बहुत नज़दीक अब आने वाला है। इसके लिए आप तैयारी करें। जो घने और फैलने वाले वृक्ष हैं, उनके लिए 3 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और 3 फीट गहरा गड्ढा अवश्य खोदें, ताकि उसमें कीड़े मकोड़े, खरपतवार जो भी है गर्मी पाकर नष्ट हो जाएं। और जो कम फैलने वाले हैं, जैसे पपीता है, नींबू है, इन सबों के लिए 2 फीट लंबे, 2 फीट चौड़े और 2 फीट गहरे गड्ढे का निर्माण करें। और बरसात आने के साथ साथ अच्छी नस्ल की जो पौधा आपको लगानी है उसमें रोपण करें। राज्य के जो किसान झाड़ीदार फ्रेंच बीन की खेती करना चाहते हैं, वे मार्च तक बुआई का काम पूरा कर लें। झारखंड में इस फसल से अच्छी उपज लेने के लिए उन्नत प्रभेद पंत अनुपमा, स्वर्णप्रिया, अर्का कोमल या स्ट्रिंगलेस लगाएं। झाड़ीदार फ्रेंच बीन की बुआई में 80 से 90 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं।
इसमें कतारों के बीच 40 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए पंत अनुपमा, स्वर्णप्रिया, अर्का कोमल या स्ट्रिंगलेस नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 80 से 90 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। पशुचालित पटेला हेरो द्वितीय भूमि परिष्करण यंत्र है। किसान इस यंत्र की सहायता से ढेला तोड़ने, मिट्टी को भुरभुरी बनाने, फसल के ठूंठ को इकट्ठा करने, बुआई के लिए खेत की तैयारी करने का काम कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 0.3 हेक्टेयर प्रति घंटा है। आज हम जानेंगे भिंडी फसल में रासायनिक दवा के बिना बंधक और फल छेदक कीटों के रोकथाम के उपाय के बारे में। किसान भाई, भिंडी फसल लगाने के 30 से 35 दिन बाद अंडा परजीवी ट्राइकोडर्मा किलोनिस 1 से 1.5 लाख प्रति एकड़ की दर से खेत में डालें। साप्ताहिक अंतराल पर ऐसा 4 से 5 बार करें। इससे भिंडी फसल में बंधक और फल छेदक कीट पर नियंत्रण हो जाएगा। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। अब राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस और धनबाद का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1,900 रुपए से 2,350 रुपए, चावल मध्यम 2,380 रुपए से 2,900 रुपए, चावल उत्तम 3,750 रुपए से 6,000 रुपए, गेहूं 2,300 रुपए से 2,800 रुपए, चना 5,600 रुपए से 6,000 रुपए, दाल अरहर 5,800 रुपए से 6,500 रुपए, दाल मसूर 5,300 रुपए से 5,800 रुपए, दाल चना 6,400 रुपए से 7,000 रुपए, सरसों तेल 9,500 रुपए से 11,300 रुपए, चीनी 4,080 रुपए से 4,300 रुपए, आलू 300 रुपए से 750 रुपए और प्याज 950 रुपए से 1,050 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और ली कृषि से संबंधित ढेर सारी नई नई जानकारी। जानकारियां हमारे पास और भी है, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा विराम। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है? हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।
विराम के बाद एक बार फिर से आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। किसान भाई बहनों, आप लाह की खेती तो करते ही हैं, आज आपको हमारे विशेषज्ञ बताने वाले हैं रंगीनी लाह की खेती आप किस प्रकार करें। तो आइए देखते हैं और समझते हैं कि रंगीनी लाह की खेती किस तरीके से की जाए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसके विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएँ चल रही है और इनका बाजार व्यवस्था क्या है। तो आइए आपको लिए चलते हैं सीधे विशेषज्ञ के पास। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, झारखंड में बड़े पैमाने पर लाह की खेती की जाती है। यहाँ पर कुसमी और रंगीनी लाह की खेती की जाती है और लाह उत्पादन की दृष्टि से भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य होने का गौरव भी प्राप्त है हमारे राज्य को, क्योंकि यह वन क्षेत्र है। किसान भाइयों, आज हम आपको बताएंगे कि आप अगर रंगीनी लाह की खेती करना चाहते हैं तो किस तरह से वैज्ञानिक ढंग से रंगीनी लाह की खेती करें। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर एस घोषाल, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान नामकुम में। सर, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार, जोहार किसान भाई। सर, सबसे पहले जब हम बात करते हैं झारखंड में लाह की खेती की, तो एक बात आती है कि हम कुसमी लाह की बात करते हैं और रंगीनी लाह की बात करते हैं, तो रंगीनी लाह और कुसमी लाह, रंगीनी लाह क्या है और किस तरह से ये अलग है कुसमी लाह से? दोनों ही इंसेक्ट से ओरिजिन है और दोनों राल है। राल है लेकिन गुणवत्ता में थोड़ा सा फर्क है। जैसे रंगीनी का जो राल है वो थोड़ा सा गाढ़ा रंग का है तो बाजार भाव इसका थोड़ा सा कम है, और कुसमी थोड़ा सा उत्कृष्ट क्वालिटी का माना जाता है, इसका बाजार भाव थोड़ा सा ज़्यादा है। और कहाँ से पैदा होता है उसके विचार से भी डिफरेंस है। जैसे पलाश का पेड़ में रंगीनी पैदा होता है, अच्छा। और कुसुम का पेड़ में कुसमी पैदा होता है, और बेर का पेड़ में दोनों पैदा हो सकता है। अच्छा। और इसका जो लाइफ साइकिल है उसको देखेंगे तो भी कुछ डिफरेंस आपको नज़र आएंगे। जैसे दोनों फसल, दोनों कीट साल में दो बार लाइफ साइकिल में इसका आता है। रंगीनी का देखा जाए तो दो दो जो लाइफ साइकिल है, एक 8 महीना का होता है, एक 4 महीना का होता है। उसी तरीके से कुसमी का देखा जाए तो इसका लाइफ साइकिल दो बार ही है, लेकिन एक 6.5 महीना का है, एक 5.5 महीना का है। तो ये है विस्तृत इसका डिफरेंस जी। तो जो किसान कुसमी खेती करते हैं या रंगीनी खेती करते हैं, तो ये कब होता है? रंगीनी की खेती का जैसे समय होता है या कुसमी खेती, ये कब चढ़ाए? हाँ, वो जैसे हमने बताया रंगीनी का 2 साइकिल होता है, एक 8 महीना का, एक 4 महीना का। तो 8 महीना का साइकिल है, उसको ग्रीष्मकालीन फसल बोलते हैं। वो अक्टूबर नवंबर महीने में उसका शुरुआत होता है और जा करके जून जुलाई महीने में कटता है। उसी तरीके से जो दूसरा फसल है वो 4 महीने का होता है, जून जुलाई महीने में लगता है और अक्टूबर नवंबर महीने में कटता है। अच्छा। उसी तरीके से कुसमी का अगर देखा जाए तो वो एक बार जून जुलाई महीने में कटता है और जनवरी फरवरी महीने में हार्वेस्ट होता है, इसको शीतकालीन फसल बोलते हैं। और उसी तरीके से जब जनवरी फरवरी महीने में लगाते हैं पेड़ में और वो जा करके जून जुलाई महीने में कटते हैं, अच्छा। इसको भी ग्रीष्मकालीन फसल बोलते तो हैं। तो अभी तो बहुत सारे जो किसान हैं वो रंगीनी लाह की खेती कर रहे हैं, तो वो जो खेती कर रहे हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या सावधानियां उनको बरतनी चाहिए इस वक्त? देखिए, रंगीनी का है इस समय जो ग्रीष्मकालीन फसल चल रहा है वो अक्टूबर नवंबर महीना में उसका ऑलरेडी लग चुका है। उस समय बहुत छोटा था और चूंकि ये अक्टूबर नवंबर महीना के बाद दिसंबर जनवरी ये शीतकाल है तो इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होता है, इसका ग्रोथ बहुत धीमे धीमे होता है। तो अभी आकर के टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया है, थोड़ा सा इसमें उसका तापमान बढ़ गया जिसके चलते उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी बढ़ने लगा है, तो इसका ग्रोथ भी धीरे धीरे फास्ट होने लगेगा जी। लेकिन इसका जो अहम एक ग्रोथ में एक स्टेज होता है नरकीट निर्गमन का समय, वो लगाने का 110 दिन का बाद आता है। तो ये लगभग अभी समय आ रहा है नरकीट निर्गमन का,
नरकिट का अहम महत्व है कि पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए, अगला जो पीढ़ी है इसको मेंटेन करने के लिए मेल का बहुत ज़रूरी है। और मेल इमर्जेंस का बाद इसका रेट ऑफ ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाता है, थोड़ा तेज़ी से ये बढ़ने लगता है जी। तो किसान भाई को ध्यान में ये रखना है कि हमारा लाह का भी कुछ शत्रु कीट होते हैं, उसको मारने के लिए हम लोग दवा का स्प्रे करते हैं। अच्छा। वो दवा जब हर 30 दिन का इंटरवल में स्प्रे करने के लिए बोला जाता है जी। किसान भाई को ये देखना है कि इस समय जब मेल इमर्जेंस होता है, नरकीट निर्गमन होता है, उस समय दवा का स्प्रे ना करें जी। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि इस समय किसान भाई दवा का स्प्रे बिल्कुल नहीं ना करें, जैसे नुकसान हो सकता है। लेकिन देखना पड़ेगा कि मेल इमर्जेंस चल रहा है कि नहीं। अच्छा। वो किसान भाई देखेंगे, जिसका अनुभव है वो देखने से पता लग जाएगा। बहुत छोटा छोटा होता है मेल कीट, नरकीट उसमें से घूमने को देखने को मिलता है। उस समय किसान भाई चूंकि पास अनुभव है, देखने के बाद उनको पता लगेगा कि नरकीट निर्गमन का स्टेज चल रहा है, उस समय स्प्रे ना करें। एक महत्वपूर्ण बात है कि पूरे राज्य में चूंकि वन प्रदेश है, तो यहाँ बुंडू, तमाड़, सुनाहतो, राहे, कुछ चायबासा, कुछ गुमला, पूरे क्षेत्र में लाह की खेती की असीम संभावनाएं हैं और बहुत सारे किसान जो हैं इसकी खेती भी करते हैं। हाँ। लेकिन वो आमतौर पर बिना जानकारी के खेती करते हैं। तो जब हम वैज्ञानिक ढंग से लाह की खेती की बात करते हैं तो क्या विशेष उनको सावधानियाँ बरतनी चाहिए जब वो खेती कर रहे हैं? तो हमारा ये जो संस्थान है बहुत दिन से लाख का शोध से जुड़े हुए हैं, तरह तरह का टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ से निकला हुआ है। तो मेनली किसान भाई जो खेती करते हैं वो पहले शुरू से अगर देखा जाए वो बिहन लाख को ले करके पेड़ में दो ब्रांच के अंदर में ठूंस देते हैं, वहीं से कीड़ा निकल करके जितना आता है नहीं आता है तो झड़ करके पारंपरिक ढंग से अपना व्यक्तिगत जो खेती, इसलिए एक किलो से जितना उसका लाभ होना चाहिए, जितना एरिया में उसको कीड़ा बैठना चाहिए उतना बैठ नहीं पाता है। तो हम लोग बोलते हैं कि उसको 50-50 ग्राम का बंडल बनाइए और जगह जगह में एक सर्टेन इंटरवल में उसका ब्रांच का थिकनेस, कितना छोटा ब्रांच उससे निकल रहा है उससे देख करके एक बंडल, नहीं तो कहीं दो बंडल, इस तरीके से उसको बांध देने के लिए। तो ये पहला फर्क है। इससे क्या होता है, जितना शिशु कीट निकलता है वो इवेनली पूरा पेड़ में फैला रहता है। अच्छा। तो एक पेड़ में, एक डाली में बहुत ज़्यादा बैठ नहीं पाता है, दूसरा डाली में है ही नहीं, ऐसा नहीं हो पाता है। अच्छा। इस तरीके से होते हैं, ये पहला डिफरेंस, असमान वितरण हो जाता है उसका। अच्छा, ये पहला है। दूसरा है कि किसान भाई को हम लोग बोलते हैं कि किस समय टहनी को कटाई छटाई करना चाहिए। वो कटाई छटाई करेंगे, जैसे कुसुम पेड़ में कटाई छटाई करने के बाद 1.5 साल रेस्ट मिलने के बाद उसको लाह लगाने के लिए योग्य होते हैं, ये ध्यान में रखना है। बेर पेड़ में एक कटाई छटाई करने के बाद उसका टहनी जब 6 महीने का होता है तब वो इनोकुलेशन का योग्य होते हैं, तब इनोकुलेशन करना चाहिए। उसी तरीके से पलाश में भी 7-8 महीना का होता है, अप्रैल महीने में काटते हैं, अक्टूबर नवंबर में। तो इस तरह का जो एक साइकिल होता है ग्रोथ में पेड़ का, उसको भी मेंटेन करना, ये भी साइंटिफिकली इसको शोध करके निकाला गया है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। ये जो जानकारी आपने दी ये बहुत अच्छी जानकारी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो वो चाहते हैं कि ये जो जानकारी है उनको व्यक्तिगत रूप से मिले, वो उनके मन में बहुत सारी शंकाएँ होती हैं, वो उससे उसको जानकर उसका समाधान करना चाहता है। तो क्या इस क्षेत्र में प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था है? क्योंकि बिना प्रशिक्षण का बहुत अच्छा उत्पादन, वैज्ञानिक तरीके से खेती करना मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी सारी बातें वो समझ नहीं पाते हैं। तो क्या कुछ प्रशिक्षण की व्यवस्था है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछे गौतम जी। प्रशिक्षण के लिए हमारा इंस्टीट्यूट में सारे व्यवस्था है। यहाँ पर महिलाओं के लिए और पुरुष के लिए अलग अलग गेस्ट हाउस रहने के लिए व्यवस्था है, और उनका जो तरीका है वो अपना करके हमारा जो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण विभाग उसका अध्यक्ष है, वहाँ पर पूरा जानकारी मिल सकता। इसके अलावा हमारा जो अध्यक्ष महोदय है, डायरेक्टर महोदय है, उनसे भी संपर्क करके क्या तरीका है,
ये तो कब मिलेगा प्रशिक्षण का टाइम लेना चाहते हैं तो अवधि क्या होती है इसकी? नॉर्मली 7 डेज का, 7 दिन का, 1 हफ्ता का ट्रेनिंग कोर्स हम लोग ऑफर करते हैं। इसमें लेक्चर दिया जाता है, व्याख्यान कक्ष में किसान भाई को समझाया जाता है, जो जो इससे जुड़े हुए वैज्ञानिक और तकनीकी अधिकारी जो इससे जुड़े हुए हैं वो लोग आते हैं और किसान भाई को समझाते हैं ये है। इसके अलावा हमारा प्रक्षेत्र है, प्रक्षेत्र में भी ले जाके घुमा करके प्रैक्टिकली क्या करना है, क्या कर रहे हैं, कि कौन ग्रोथ स्टेज क्या है, कैसे समझाएंगे, मेल इमर्जेंस का स्टेज है क्या है, कैसे समझाएंगे, कब स्प्रे करना है, स्प्रे करेंगे तो कौन सा दबा देंगे, स्प्रे करेंगे तो उसका टाइम क्या है, इत्यादि के बारे में डिटेल जानकारी किसान भाई को दिया जाता है। बिल्कुल, आपने अभी बताया कि जो तकनीकी जानकारियां हैं, स्प्रे कब करें, क्या करें, कई दफ़ा ऐसा भी होता है, बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो जान नहीं पाते हैं, बेर है या कई तरह के पेड़ हैं, पलाश है, इसमें खेती की जाती है, कैसे हम समझेंगे कि इस पेड़ में हमको ज़्यादा उत्पादन मिलेगा या इस पेड़ से हमको कम उत्पादन मिल सकता है, इसकी कोई जानकारी मिल सकती है? बहुत अच्छा गौतम जी, ये नया एक हम लोग जानकारी हासिल किए हैं, तो सही समय पे आपने हमको पूछा, आपको धन्यवाद। तो इस तरह का जो जानकारी है कि हम लोग देखते हैं कि ला खेती जब करते हैं, बहुत डेंस कैनोपी, बहुत घना कैनोपी वाला जो पेड़ है उसमें खास करके बरसात का सीजन में अगर लाख लगाएंगे तो उसमें प्रोडक्शन कम होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, सूरज का तापमान उसमें कम मिलता है, सूरज का रश्मि अंदर घुस कम पाता है, और इतना घना होने के चलते हवा भी कम चलता है, इसके चलते रोग का प्रभाव उसमें ज्यादा होता है, जिसके चलते लाह का मोर्टिलिटी मर जाता है, मृत्यु दर ज्यादा होता है, इसलिए लैक का प्रोडक्शन उस तरह का पेड़ में कम होता है। तो किसान भाई कैसे जानेंगे किस तरह का है, किसान भाई को हम सलाह देंगे पेड़ के नीचे चले जाए, ऊपर सूरज है उसको देखे, जो एकदम ढक जाएगा सूरज, एकदम बिल्कुल नहीं देख पाएगा, वैसा पेड़ को लाका खेती में ना रखे, जो बढ़िया सीधा तरीका है। तो इससे क्या होगा, किसान भाई उस पेड़ में खेती करके बिहान लाख लगाएंगे, स्प्रे करेंगे, काफ़ी इन्वेस्टमेंट है, पहले से जान जाएंगे कि इस तरह का पेड़ में लाख का खेती अच्छा नहीं होगी, तो उस पेड़ में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। तो जैसे हम प्रति हेक्टर लाख की बात करते हैं तो कितना हमको आमदनी प्राप्त हो जाए, कितना उत्पादन हो जाए, काफ़ी संक्षेप में जानना चाहेंगे। एक्चुअली पेड़ का साइज के ऊपर उसका पैदावार होता है, नॉर्मली बेर में पैदावार अच्छा होता है, कुसमी लाख कुसुम में भी बहुत अच्छा होता है। तो 1 हेक्टेयर बेर का पेड़ अगर देखा जाए तो करीब 6 से 8 लाख रुपया आमदनी हो जाएगा। अच्छा, लेकिन कुसुम का पेड़ अगर देखा जाए तो वो करीब 4 से 5 लाख रुपया साल में आमदनी हो जाएगा। अच्छा। और पलाश जो कि रंगीनी के लिए उल्लेखनीय है, इसमें चूंकि रंगीनी लाख का दाम कम है तो इसमें पैदावार लाभ का अमाउंट थोड़ा सा कम है, तो करीब 3 से 3.5 लाख रुपया 1 हेक्टेयर जमीन से प्राप्त किया जा सकता, किया हो सकता है। बतौर प्रधान वैज्ञानिक किसान भाइयों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? किसान भाई के लिए मेरा यही संदेश रहेगा कि लाख ऐसा एक उत्पाद है जिसको हम लोग बहुत आसानी से खेती कर सकते। नॉर्मल खेती धान गेहूं कोई भी वेजिटेबल करने के लिए आपको जितना इन्वेस्ट करना होगा और जितना समय उसके लिए देना होगा उसके अपेक्षा इसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट और बहुत कम समय दे करके ही अधिक लाभ कमाया सकता, अधिक लाभ कमा सकते। बिल्कुल जी। तो किसान भाइयों, अगर आप कुसुमी लाह या रंगीनी लाह की खेती कर रहे हैं तो वैज्ञानिक तरीका अपनाएं, इससे आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। डॉक्टर घोषाल, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों आपसे भी चाहेंगे इजाज़त, नमस्कार, जोहार, नमस्कार।